यूपी के हाथरस कांड के बाद बलरामपुर में भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलरामपुर के थाना गैसड़ी इलाके में एक दलित लड़की के साथ हाथरस जैसी दरिंदगी हुई है। आरोप है कि 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और उसके हाथ पैर तोड़ डाले। पीड़िता की मां के मुताबिक उनकी बेटी को ड्रग्स इंजेक्शन देकर हैवानियत की गई और बाद में रिक्शा में बैठाकर घर भेज दिया। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक पीड़िता ने मरने से पहले अपनी मां को बस इतना कहा था कि दर्द बहुत है, अब मैं नहीं बचूंगी। इस मामले पर भारत समाचार चैनल के संपादक ब्रजेश मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा, इस ट्वीट को लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं, गम गुस्सा और शोभ से स्तब्ध हूँ। अब बलरामपुर में हाथरस से भी भयानक वारदात हुई। दलित समाज के एक बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ, दोनों पैर तोड़ दिए गए, कमर तोड़ दी गई, मुंह बंद करने के लिए घातक इंजेक्शन ठूस दिया और फिर हत्या कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से यूपी पुलिस हाथरस कांड में भी गैंगरेप की वारदात को नकारती रही, उसी तरह बलरामपुर कांड में भी यूपी पुलिस ने पीड़िता के हाथ पैर तोड़ने के आरोपों को नकार दिया है। बलरामपुर SP देवरंजन वर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम में हाथ पैर तोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। जो पीड़िता है उसके भाई के द्वारा नामजद तहरीर दी गई, जिसमें दो आरोपियों का उल्लेख किया गया। उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें कुछ मीडिया के द्वारा ये सूचना चलाई जा रही है कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। बलरामपुर पुलिस ने इस मामले में फिलहाल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद फिर से वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यूपी में दलित होना अपराध हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।